हेलो चिल्ड्रन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल कोकाश किड्सो। आज हम लोग करने वाले हैं यूनिट 3 से नंबर 5 सरप्राइज बर्थडे पार्टी। यहाँ पे एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी होने वाली है। यू ऑल आर एक्साइटेड फॉर इट चिल्ड्रन? आपके बर्थडे में कैसे आप लोग एक्साइटेड होते हो, वैसे ही किसी का यहाँ पे बर्थडे होने वाला है जिसमें वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। सरप्राइज का मतलब है जो हमको पता नहीं है, जो हमने देखा नहीं है, जिसके बारे में हमको पता नहीं है, वो एकदम से हमारे सामने आ जाता है तो हम कैसे होते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं ना। तो वही सरप्राइज बर्थडे पार्टी के बारे में हम लोग आज देखेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। नंबर 1, लुक एट द पिक्चर्स, लिसन एंड रीड। आपको ये सब पिक्चर जो दिए गए हैं इनको अच्छे से देखना है। लिसन, अब जब आपकी टीचर आपको समझा रही है तो आपको ध्यान से सुनना है, लिसन करना है, ओके? उसके बाद आप रीडिंग भी करोगी, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। देयर वॉज अ मंकी नेम्ड मंकू। मंकू लिव्ड इन अ केव। एक मंकी था जिसका नाम मंकू था। वो कहाँ पे रहता था? ये केव में रहता था, ये उसी का घर है, ओके? अ लेक वॉज नियर द केव। वहां पे एक तालाब था, जो केव है इसके पास में एक लेक था, लेक मतलब तालाब, ओके? तो वहां पे कौन रहता था? डकी द ड्रैग एंड हिज सिस्टर लकी लिव इन द लेक। मतलब यहाँ पे एक मेल बदक रहता था, उसका नाम था डकी, और उसकी बहन कौन है? लकी। ये दोनों भी ये तालाब में रहते थे। जिन एंड जेनी द क्रेन्स लिव नियर द लेक। तो यहाँ पे एक जिन है और एक है जेनी, ये दो क्रेन्स है। क्रेन्स का मतलब है बगले। बगले भी यहाँ पे रहते थे। ऑल ऑफ देम वर मंकूज फ्रेंड्स। मतलब ये जो डकी है और ये लकी है, जिन एंड जेनी, ये सब मंकू के फ्रेंड्स थे। दे लव टू प्ले टुगेदर। ये सबको साथ में खेलना बहुत पसंद था। अब क्या हुआ? वन डे मंकू बिकेम वेरी हैप्पी। ओ टुमारो इज संडे एंड संडे इज माय बर्थडे। ऐसे बंदर सोच रहा है, वो जो मंकी वो सोच रहा है टुमारो मतलब कल, कल संडे है और संडे को मेरा बर्थडे है। फिर क्या बोलता है? डकी लकी जिन एंड जेनी विल कम टू से हैप्पी बर्थडे। मतलब वो सोच रहा है ऐसे कि कल तो मेरा बर्थडे है, तो कल कौन कौन आएगा? डकी लकी जिन और जेनी, ये सब आके मुझे हैप्पी बर्थडे बोलने वाले हैं। थॉट मंकू। ये सब कौन सोच रहा है? मंकू सोच रहा है, द मंकी, ओके? सून इट वॉज संडे। अब कल का दिन आ गया, संडे आ गया, फिर क्या हुआ? मंकू वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर आवर्स एंड आवर्स। मंकू जो है वो बहुत देर तक बैठकर वेट कर रहा था। आवर्स एंड आवर्स मतलब घंटों। देखो यहाँ पे बैठा है ना, वो बैठ के वेट कर रहा है कि मेरे दोस्त आएंगे और मुझे हैप्पी बर्थडे बोलेंगे। कौन कौन थे उसके दोस्त? डकी लकी जिन और जेनी। बट नो वन केम। पर कोई भी नहीं आया। अगर आपके बर्थडे में कोई नहीं आता तो कैसा फील होता है? वैसे ही उसको भी फील हो रहा है, बहुत सैड हो रहा है। सो ही फेल्ट वेरी सैड। तो उसको फील कैसे हुआ? वेरी सैड, बहुत दुख हुआ। मंकू वेंट टू द लेक। मंकू फिर लेक के पास गया, बट नो वन वॉज देयर। कोई भी नहीं था वहां पे। उसको लगा शायद मेरे दोस्त वहां होंगे, पर लेक के पास भी कोई नहीं था। सो सैडली मंकू केम बैक टू हिज केव। तो बहुत दुखी होकर, सैडली दुखी होकर वो अपना केव पे, अपने घर पे वापस आ गया। क्या देखा? केक देखा। ये अपने घर जा रहा है, देखो अंदर, और वहां पे बलून्स भी लगे हैं। सो ही वाज सो सरप्राइज, वो चौंक गया, खुशी से चौंक गया। क्या बोला? वाओ अ केक, खुश होकर ना उसने बोला, वाओ क्या केक है, सेड मंकू। मंकू ने कहा, लकी लकी जिन एंड जेनी केम आउट एंड शाउटेड। मतलब डकी लकी जिन और जेनी सब बाहर आए एंड शाउटेड। शाउटेड मतलब उन्होंने चिल्ला कर बोला, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मंकू। सारे लोग बोलने लगे, वी वर वेटिंग टू गिव यू अ सरप्राइज। वो लोग क्या बोले? हाँ
हम सब आपको सरप्राइज देने के लिए रुके थे, वेटिंग मतलब रुके थे सरप्राइज देने के लिए। ऑल सेड, सब बोलने लगे। आई बेक केक फॉर यू, सेड जिन। जिन ने बोला कि मैंने आपके लिए बेक, मतलब उसने बनाया है केक। केक किसके लिए बनाया है? मंकी के लिए। I bought you some grapes. सेड जेनी। जेनी ने क्या लाया उसके लिए? जेनी ने मंकू के लिए ग्रेप्स लाया है। एंड वी हैव मेड दिस टेबल फॉर यू। Said Ducky and ये Lucky. जो है डकी एंड लकी, उन्होंने क्या किया? टेबल बनाया, यानी कि ये टेबल डकी और लकी ने बनाया। केक किसने बेक किया था? जिन ने बेक किया था। और ग्रेप्स कौन लाया था? जेनी ने लाया था, राइट? इट्स रियली अ सरप्राइज फॉर मी। थैंक्स माई डियर फ्रेंड्स, यू ऑल आर रियली ग्रेट, आई लव यू ऑल, सेड मंकू। तो मंकू ने क्या बोला? यहाँ पे इट्स का मतलब है टूवर्ड्स, IT, IT, IS, IS, IT, IS, ये दोनों वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे इट्स लिखा है। IT अपोस्ट्रोफी पर देख रहे हो और S, इट्स। इट्स रियली अ सरप्राइज फॉर मी, मतलब मंकी को, मंकी इतना खुश हो गया, बोल रहा है अरे वाह, रियली ये सरप्राइज है मेरे लिए। थैंक्स माई डियर फ्रेंड्स। दोनों, इसने सबको थैंक यू किया। देखो यहाँ पे वो नाचते हुए सबको थैंक यू बोल रहा है, सो हैप्पी। यू ऑल आर रियली ग्रेट, मतलब आप सब बहुत अच्छे हो। आई लव यू ऑल, मुझे आप सब बहुत अच्छे लगते हो, मैं आप सबको प्यार करता हूँ, सेड मंकू। मंकू ने कहा। देन दे ऑल डांस टुगेदर। सी यू, दे आर ऑल डांसिंग। सब लोग मजे कर रहे हैं बर्थडे पार्टी में। आप लोग भी ऐसे ही मजे करते हो ना अपने बर्थडे पार्टी में? नहीं करते हो तो करना चाहिए। ओके okay? बाबा, हेलो कोलू, हाउ आर यू? आई एम गुड, फाइन। अच्छा, वेरी गुड। आप कुछ बोलना चाहते हो? हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरे गांव में बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी हैं और मेरे रिश्तेदार भी हैं। मैंने उन सबको आपके चैनल के बारे में बताया है, उनको बहुत पसंद आया आपका चैनल। बच्चों, आप भी, आपके कोई रिश्तेदार अगर महाराष्ट्र के गांव में रहते हैं या आपके कोई पहचान वाले रहते हैं तो उन सबको इस चैनल के बारे में बताना, कोकाश किड्स। ओके, ओके ओके, और कुछ बोलना चाहते हो? हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ। अभी रीडिंग टाइम है ना, तो बच्चों आप ध्यान से सुनना, ओके, और मन लगा के पढ़ना। और आप कैसे पढ़ोगे पता है? आप अपने टेक्स्ट बुक में फिंगर रखकर पढ़ना है आपको, ओके। आप अगर स्क्रीन में नहीं देखोगे रीडिंग के टाइम में तो ज्यादा अच्छा होगा, इससे आपकी रीडिंग प्रैक्टिस अच्छी होगी। ओके, अरे वाह कोलू, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक में उंगली रखकर पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, राइट? और ध्यान भी रख सकते हैं कि वो कौन से लाइन पे चल रहे हैं, राइट? हाँ, मैं भी पढ़ने वाला हूँ अपने टेक्स्ट बुक से। आप भी पढ़ना बच्चों, ठीक है? बाय। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग चिल्ड्रन। ओके, देयर वॉज अ मंकी नेम्ड मंकू। देयर वॉज अ मंकी नेम्ड मंकू। मंकू लिव्ड इन अ केव। मंकू लिव्ड इन अ केव। अ लेक वॉज नियर द केव। A lake was near the cave. डकी द ड्रैक एंड हिज सिस्टर लकी। Ducky the drac and his sister Lucky lived in the lake. Lived in the lake. Jin and Jenny. Jin and Jenny. The cranes lived near. The cranes lived near. The lake. The lake. All of them were. All of them were. Monkey's friends. Monkey's friends. They loved to play together. They loved to play together. One day, Monkey. One day, Monkey. Became very happy. Became very happy. Oh, tomorrow is Sunday. Oh, tomorrow is Sunday. And Sunday is my birthday. And Sunday is my birthday. Ducky, Lucky. Ducky, Lucky. Jin and Jenny. Jin and Jenny. Will come to say.
will come to say happy birthday, happy birthday, thought Manku. Thought Manku. Soon it was Sunday. Soon it was Sunday. Manku waited for a long time. Manku waited for a long time. For hours and hours. For hours and hours. But no one came. But no one came. So he felt very sad. So he felt very sad. Manku went to the lake. Manku went to the lake. But no one was there. But no one was there. So sadly Manku came back to his cave. Came back to his cave. Manku was surprised. Manku was surprised to see the cake. To see the cake on the table. On the table. Wow, a cake. Wow, a cake, said Manku. Said Manku. Lucky, 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 lucky. Jin and Jenny. Jin and Jenny came out and shouted. Came out and shouted. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Manku. Happy birthday, dear Manku. We were waiting. We were waiting to give you a surprise. To give you a surprise. All said. All said. I baked cake for you. I baked cake for you. Said Jin. Said Jin. I bought you some grapes. I bought you some grapes. Said Jenny. Said Jenny. Said Jenny. And we have made this table for you. And we have made this table for you. Said Ducky and Lucky. Said Ducky and Lucky. It's really a surprise for me. It's really a surprise for me. Thanks, my dear friends. Thanks, my dear friends. You all are really great. You all are really great. I love you all. I love you all. Said Manku. Said Manku. Then they all danced together. Danced together. See, they're dancing. Din check, 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 din check. Everybody dance, come on. Din check, din check, din check, din check. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yes, very good. You all dance so well, children. And I saw you too, Kolu. Aap bhi dance kar rahe the na? Very good. Hamesha hi khush rehna chahiye. Uske liye sirf birthday ki zarurat nahi hoti hai, right? Number 2. Talk about your favorite animal. Write a few lines about it. A. How you write? Answer. Answer. My favorite animal is a dog. This is my favorite animal. You have to write about yours, okay? I like dogs because they are very faithful to humans. They guard our houses. They like to play with children. They can also sense danger easily. My favorite animal is a dog. Mera favorite animal dog hai. I like dogs because they are very faithful to humans. Matlab jo dogs hote hain mujhe pasand hai kyunki wo hamare saath bahut hi wafadari se rehte hain. They guard our houses, मतलब वो हमारे घर की सुरक्षा करते हैं. घर के बाहर बैठते अगर कोई चोर आता है या कोई गलत इंटेंशन के साथ आता है तो वो ज़रूर उन्हें भोंक कर डरा देते हैं, ओके. और कभी कभी कुछ और को भी, जिनको वो नहीं पहचानते उनको भी वो भोंक देते. तो इसका ज़रूरी मतलब नहीं है कि जिसको भी वो भोंक रहे वो चोर ही है, राइट. दे लाइक टू प्ले विथ चिल्ड्रेन. चिल्ड्रेन, उनको बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद है. दे कैन ऑल्सो सेंस डेंजर ईजीली, मतलब कोई डेंजर आने वाला है, जनरली नेचुरल कलेमिटीज आने वाली है या कुछ ऐसा होने वाला है जो अच्छा नहीं है हमारे लिए, वो उनको पहले ही डेंजर को वो सेंस कर पाते हैं.
ओके चिल्ड्रन, ये एक्टिविटी आप खुद करके मुझे दिखाएंगे. ओके, नंबर 3, मैच द फॉलोइंग थिंग्स एंड साउंड्स विद देयर पिक्चर्स. तो बीच में कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, लेफ्ट साइड में उनके नाम दिए गए, पर वो नाम जो है ऊपर नीचे कर दिए, जंबल कर दिए. तो आपको नाम पढ़ना है और वो ऑब्जेक्ट को जाकर ज्वाइन करना है, मैच करना है, जैसे लाइन से. फॉर एग्जाम्पल बेल जो यहाँ पे, तो आप यहाँ से एक लाइन बनाकर बेल तक ज्वाइन करना है आपको यहाँ तक. ओके, और उसके सामने उसका साउंड लिखा होगा. ठीक है, तो आप कैसे करोगे, आप खुद से करोगे. आप ये वीडियो को पॉज कर देना थोड़ी देर के लिए, सब कंप्लीट करोगे और फिर उसको अनपॉज करना, चालू करना और देखना कि आपके आंसर्स राइट है कि नहीं. ओके, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. आई होप आपका जो वर्क है वो कंप्लीट हो गया है. अभी आप चेक कर सकते हैं अपने आंसर्स. ओके चिल्ड्रेन, आई होप आपने कंप्लीट कर लिया. आप चेक कर सकते हैं आपके आंसर्स. बेल यहाँ पे कहाँ पे बेल है, नंबर 1, नो नो नो, यस, सो दिस इज बेल. यहाँ से एक लाइन बनाएंगे और बेल तक आएंगे एंड बेल रिंग्स. ओके, नेक्स्ट इज हॉर्न. हॉर्न कौन मारेगा, गाड़ी में मारेगा, राइट. तो यहाँ पे कहाँ पे गाड़ी है, हॉर्न, यहाँ पे तो गाड़ी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है. ओके, हियर यू कैन सी दिस मैन इज ड्राइविंग अ कार एंड ही इज हॉन्किंग. तो आप हॉर्न से एक लाइन मारेंगे और आएंगे ये कार तक. ओके, हॉर्न हॉन्क्स. ओके, नेक्स्ट इज क्लॉक. क्लॉक में कहाँ पे क्लॉक है, देखो देखो देखो. ओके, दिस इज द क्लॉक, सो यू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम हियर टिल हियर. क्लॉक एंड क्लॉक टिक्स, टिक 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 टिक. ओके, ड्रम्स. नाउ ड्रम्स कहाँ पे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं. यस, दिस बॉय इज हैविंग कैरिंग अ, यस, दिस बॉय इज कैरिंग अ ड्रम. एंड ड्रम्स बीट. ओके, नेक्स्ट इज डोर. यहाँ पे डोर कहाँ है, ये तो डोर नहीं है. यस, दिस इज अ डोर, सो यू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम हियर टिल हियर. डोर बैंग्स. नेक्स्ट इज डिशेस. नाउ मम्मा जो बर्तन रखती है तो वो धोती है ना, तो यहाँ पे से डिश कहाँ पे है, दिस इज द फर्स्ट वन. यहाँ पे डिशेस रखे हुए आप देख रहे हो, बर्तन रखे हैं. सो व्हाट इज द साउंड, क्लटर. तो ये है आपके राइट आंसर्स. आई होप आपको सारे आंसर्स राइट मिले. अगर गलत है तो आप उसको करेक्शन कर लीजिए. और इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है. अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. इससे आपको मेरे सारे वीडियोस मिलते रहेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल.